तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। काफी लोग बता रहे थे यार मुझे कि यार गोस्ट चार्ट टोकन के ऊपर वीडियो बनाइए। इनका ये कहना है कि गोस्ट चार्ट टोकन एक मीम कॉइन है, इट विल किल ऑल डॉग कॉइन्स, ये सारे डॉग कॉइन की महाबहन एक कर देगा। ठीक है गाइस, कंप्लीट लिक्विडिटी लॉक फॉर 3 इयर्स एंड ऑल डॉग कॉइन डी ब्लॉक डॉट आईओ, इनमें सब में लिक्विडिटी लॉक कर रखी है। ऐसा लग रहा है किसी ने ना बच्चे ने बैठ के वेबसाइट बना दी हो। इट्स लुक लाइक दिस यार। ठीक है, यहाँ पे बड़ी अनप्रोफेशनल वेबसाइट लगी मुझे। गोस्ट शार्क टोकन विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉमन यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इनकम प्रॉफिट लॉस कैपिटल एसेट लाइबिलिटीज ऑफ पीपल एंड विल बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड बाय पीपल बाय दिसंबर 2023। अच्छा, स्लोगन व्हाट पीपल विल वोट विल बी नेक्स्ट मनी, ये इनका स्लोगन है। तो गाइज ये है, मनी फॉलोइंग चल रही है यहाँ तो। ठीक है, दैट टू कस्टमर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमिंग 5% फॉर ऑल गोस्ट टोकन अनाउंसमेंट टाइमलाइन, ये सब इन्होंने दे रखा है। ज्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखो गाइज, ये तो मुझे थोड़ा सा फर्जी बड़ा ही लगा। मुझे कोई टोकन ये कोई खास दम वाली बात नहीं लगी। और यहाँ पे आप देखो, टोटल टोकन क्रिएटेड 100 बिलियंस, ट्रेडेबल कॉइन्स 85 बिलियंस, स्ट्रेटेजिकल रिजर्व 13.5 बिलियंस एंड 1.5 बिलियन बर्न। ठीक है, टोकन क्रिएशन डेट 5 जुलाई को ही निकला था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो Q3 के अंदर यहाँ पे आएगा बेबी शार्क। ठीक है, डैक्स प्लस सिक्स एक्सचेंज लिस्टिंग, मॉमी शार्क भी आएगी, मम्मी भी आएगी फिर इनकी। फिर मार्च 31 में डैडी शार्क आ जाएंगे। फिर Q2 के अंदर इनके ग्रांडमा शार्क आएंगे। फिर Q3 2023 के अंदर गोस्ट शार्क आ जाएगा। आ गया, पता नहीं। 10,000 मिलीनियर्स बनाने वाले हैं, क्रिएट 5 बिलीनियर्स। ठीक है, और बिलीनियर्स ही बनाएंगे, 5 लोग बिलीनियर्स बनेंगे, कुछ 10,000 लोग मिलीनियर बनने वाले हैं। ठीक है, तो यार इस तरीके से द गोस्ट शार्क टीम कंबाइंस, टीम का कुछ आटा पता नहीं है कौन सी टीम है कहाँ क्या है। ठीक है, इनका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये इनका चार्ट है, इसने कोई खास कोई प्रॉफिट तो अभी तक दिया नहीं है गाइस। हालांकि अगर मैं मार्केट कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पे $632 की मार्केट कैपिटल है। ठीक है, सो गाइज अभी जस्ट लॉन्च हुआ है टाइम टू इन्वेस्ट टोकन को गस गाइज, पर मुझे ये टोकन ठीक ठाक सा लगा, मुझे कोई दम वाली बात नहीं लगी। तो मैं ये कहूंगा ज्यादा अगर पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी इच्छा है तो लगाइए आप, मैं किसी को रोकता नहीं। बट मैं तो इसमें पैसा नहीं लगाने वाला, मुझे ये टोकन सही नहीं लग रहा। बाकी आपको अगर लगता है सही है तो आप अपना पैसा लगाइए, मैं किसी को मना नहीं करता पैसा लगाने के लिए। ठीक है, पर मैं ये राय जरूर दूंगा कि ज्यादा पैसा मत लगाना, $10-1 लगा लो बहुत है। ठीक है, यहाँ पे कितने जीरो है इसके अंदर देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो इसमें देखने को आपको मिलती है गोस्ट शार्क टोकन के अंदर। ठीक है, और BNB के ऊपर ये काम कर रहा है गाइस। और यहाँ पे इसके बाद इसने प्रॉफिट तो अभी देखो यहां से गया था, उसके बाद डम्प हो गया था बिल्कुल, यहाँ के बाद काफी हद तक डम्प भी जा रहा है। फिर अभी तो कोई अच्छा खासा इसने कोई पंप नहीं दिखाया, हालांकि मार्केट बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी। और इसके अलावा इसके होल्डर्स की बात करें गोस्ट चार्ट की, तो मैं इसको ये करता हूँ रिफ्रेश, होल्डर बहुत कम है, 50 एड्रेसेस ही हैं अभी तक। ठीक है गाइज, यहाँ पे नल एड्रेस बर्न, ये देखो ये आ गया। ठीक है, 1.5 बिलियन टोकन बर्न। तो ये सारी चीजें हैं सॉरी गोस्ट चार्ट टोकन के ऊपर। और गाइज इनके ट्विटर के ऊपर फॉलोवर देखें तो यार फॉलोवर्स तो बहुत ही कम है, 37 फॉलोवर्स है। तो यार ये मुझे कॉइन ये फर्जी सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पैसे कमाने चक्कर में मजे मजे में ऐसे टोकन को बना दिया गोस्ट चार्ट नाम से। और ये भी वही सेम है पैनकेक स्वैप। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ पैनकेक स्वैप पे ही है, कॉइन की कोपे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, खाली इन्हीं पे है। तो गाइस थोड़ा सा बच के रहा करो इन टोकनों से, अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो, मैं किसी को रोक नहीं सकता, बाकी आपकी इच्छा है। तो आपकी क्या है टोकन के बारे में, मैं तो इसमें अपना पैसा नहीं लगाने वाला। ठीक है, आपको लगता है तो आप अपना पैसा लगाइए, मैं इसमें कुछ नहीं लगाने वाला। ठीक है गाइस, तो मुझे तो ये टोकन सही नहीं लगा। तो ये सारी अपडेट थी इस टोकन के रिगार्डिंग, आपने कहा तो इसलिए मैंने इस पे क्या कहते हैं वीडियो बनाया, वरना तो वैसे मैं कॉइन पे वीडियो नहीं बनाने वाला था। ठीक है गाइस, ये तो शार्क भी मुझे बचकानी सी लग रही है। खैर जो भी है, ये सब चीजें इस टोकन के ऊपर गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस विकास, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो हमें लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।